खरखोदा ब्लॉक अभी तक कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी जबरदस्त लड़ाई के चलते शून्य का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। वहीं खरखोदा से कोरोना ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार अनिल कुमार के अनुसार राहत सामग्री जैसे राशन, भोजन एवं दवाएं लगातार जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जो फोन नंबर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक किए गए हैं, उन नंबरों की कॉल को लगातार सुना जा रहा है। वहीं जरूरतमंद लोगों के अलावा कुछ झूठे फोन कॉल भी सुनने में आए हैं, जिनकी मदद के लिए जाने पर उनकी सच्चाई सामने आ रही है। जिसकी जानकारी देते हुए तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि ऐसे फोन कॉल्स उनके लिए समस्या बन गए हैं, जिनमें झूठ बोलकर राशन व खाने की समस्या बताकर राहत सामग्री व राशन पहुंचाने वाली टीम को परेशानी में डाल दिया जाता है। वहीं जब सहायता के लिए टीम मौके पर जाती है तो उनके घरों में रसोई का सामान एवं राशन पहले से मौजूद होता है। अब श्री कुमार के अनुसार ऐसे झूठे फोन कॉल्स करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीमें हमने दो गठित करी हैं कि एक नायब तहसीलदार हैं, उनको रूरल एरिया का क्षेत्र दिया गया है, और अपने सेक्रेटरी एमसी हैं, इनको खरखोदा शहर का चार्ज है। अभी तक हमारे पास लगभग हम 750 के करीब किट बैग बांट चुके हैं, और जो हमारे पास कॉल है उनकी कॉल आने की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसमें लगभग 30-40% जो है फेक कॉल बहुत ज़्यादा आने लग रही हैं। जब हम मौके पे हमारी टीम जाती है तो वहाँ देखती है उनके पास राशन अवेलेबल है, इवन एक एक हफ्ते 10-10 दिन का राशन अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉल करते रहते हैं। उनको अभी तक तो हमने बोला है कि भाई अगर इस तरीके के फेक कॉल करते रहोगे तो आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हमें सबको मिलजुल के करना है। ये सामाजिक संस्थाएं हैं जो आगे आके कार्य कर रही हैं, सरकार का सहयोग तो है साथ में, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं साथ में लगे हुए हैं, हमें इनका भी मान रखते हुए काम करना है। तो जो फेक कॉल आ रही है ये ना करी जाए, अभी तो हम सिर्फ समझा रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ को हम कार्रवाई करेंगे।